भूत आ रहा है, भूत आ गया, ओ भूत आ रहा है, अरे डरा गया, भूत आ गया। ये देखो कितना अमेजिंग है, नरसिंह बनाया हुआ, हिरणा कश्यप नीचे लेटा हुआ पेट फाड़ रहे हिरणा कश्यप, और यहाँ पर देखो यहाँ पे कंस के सैनिक बैठे हुए हाथी के ऊपर। सो हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई आज है 19 अगस्त यानी कि है जन्माष्टमी। तो भाई हमारे यहीं पर क्या है झांकी वगैरह लगती है, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करा जाए। कोरोना आ गया था बीच में तो सब कुछ बंद हो गया था, तो दो तीन साल बाद मतलब ये रौनक आई है जन्माष्टमी में दोबारा से, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कैसे मतलब सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी वगैरह। तो यही एक पूरा ये ब्लॉग होने वाला है। इससे पहले मैंने वृंदावन मथुरा ये सारे ब्लॉग डाले हुए हैं, आप चैनल पर चेक कर सकते हो, एंड एक सीन में मैं वीडियो लगा दूंगा वो आप देख सकते हो, अच्छे ब्लॉग थे वो भी। तो अभी हम चलते हैं हमारे आगे, आपको झांकी दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं हमारे यहाँ का गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा क्राउड हो रहा है, ये देखो कितनी यहाँ पे भीड़ हो रही है, पूरे लाइन लग रही है यहाँ पे जन्माष्टमी के लिए। तो चलते हैं और अंदर देखते हैं कैसी झांकी यहाँ पर लगी हुई है, चलते हैं यहाँ पर अंदर जन्माष्टमी और देखते हैं कैसी झांकी यहाँ पर लगी हुई है। तो देखो पूरा यहाँ पे गुफा की तरह बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो आगे अगर हम बढ़ते हैं भाई साहब कितना अमेजिंग बनाया हुआ है। यहाँ पर देखो यहाँ पे इन्होंने मतलब थोड़ी बर्फ की सिल्ली वगैरह पानी वगैरह थोड़ा बिखेरा हुआ है जिससे मतलब थोड़ा अच्छा लगे, क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो भाई स्लीवर को हाथ में ले लिया है क्योंकि क्राउड बहुत है और यहाँ पे बर्फ है पानी है सारे में, ये देखो सारे लोग विदाउट स्लीवर जा रहे हैं, ये देखो बर्फ है यहाँ पे, वो ठंडा ठंडा लग रहा काफी, ठंडा ठंडा, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर देखो सामने राधा कृष्ण, I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. Oh, yahan par dekho samne Bhole Baba aur mujhe aa rahe hai. Ha, mujhe aa rahe hai Bhole Baba ko. Aage badhte hain. Baaki yahan pe shayad Bhakt Prahlad gayab hai bhi yahan se. To bhai yahan par dekho ye kadhai mein baithe baithe bore ho gaye to bahar nikal ke baith gaye. यहाँ पर देखो ये कृष्ण जी खड़े हैं गोवर्धन पर्वत लेकर, कृष्ण जी लाइट है ये, और भाई कृष्ण जी मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे नहीं आ रहे, बोर हो रहे भाई कृष्ण जी। बाकी यहाँ छोटी सी राधा और ये यहाँ पे बैठे कंस महाराज, हाँ भाई कंस महाराज हो गया, कंस कंस नहीं हो कौन हो, और ये देखो अंदर से कंस महाराज निकल के आ रहे हैं, आ जाओ भाई आ जाओ, ए आगे कंस महाराज आगे, ए आगे कंस महाराज, ये देखो ही और ये जो है यहाँ के प्रधान जी इन्होंने करवाई है भाई यहाँ की सारी जन्माष्टमी, पीछे कंस महाराज बैठे हैं यहाँ पर, ये देखो मजे आ रहे हैं, अच्छा चाचा है तो कंस चाचा है, मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे मम्मी है, वो भाई साहब भूत पर सामने भूत है। तो भी अभी हम आए हुए हैं नेक्स्ट झांकी में, यहाँ पर देखो सामने बैठे हैं गणपति बाबा, तो ये देखो भाई साहब सही बनाया हुआ है, देखो मोटे तगड़े बिल्कुल बाबा। तो यहाँ पर देखे सामने छोटे से राधे कृष्ण है, कितने प्यारे लग रहे थे कितने क्यूट से। तो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो गाय भी लगाई हुई है ना बछड़ा गाय का। तो भाई यहाँ पर देखो सामने यहाँ पे साधु बैठे हुए और नीचे से गाया हुआ कोई भी स्पेस नहीं है, तो ये मूवीज में देखा था, आज रियल में देख रहा हूँ मैं सामने यहाँ पर, बाकी हरिद्वार में कुंड में देखा था, तो पहली बार देख रहा हूँ सामने से के नीचे देखो कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और हवा में उड़ रहे हैं साधु, ये काफी अच्छा बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पूरी टोली बैठी हुई है यहाँ पर, तो अभी पास चल के देखेंगे। तो भाई यहाँ पर देखो बनाया हुआ है पूरा छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे, यहाँ पे राधा बने हुए हैं कृष्ण बने हुए हैं, आए कर दो एक बार राधे राधे बोल दो, राधे राधे, देखो कितनी प्यारी बच्ची है यहाँ पर, ये देखो कितनी क्यूट लग रही है, ये देखो यहाँ पे उठा लिया चक्र उठा लिया यहाँ पर कृष्ण जी ने, ओ भाई मजा आ रहा है। With you, I don't ever feel... और यहाँ पर देखो सामने कितने अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, देखो कृष्ण जी कितने अच्छे से बनाया हुआ है, फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे लोग। तो भाई देखो कितनी अच्छी यहाँ पे पूरे इन्होंने बहुत अच्छी झांकी बनाई हुई है सच में, जहाँ भी मतलब इन्होंने बनाया हुआ है राधा कृष्ण वगैरह सब इतने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल रियलिटी लेकर आ गए हैं यहाँ पर। झूलना एक बार झूलना, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं,
और क्राउड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा है भाई सच में। और देखो बैकग्राउंड भी इतना अच्छा बनाया हुआ है, ये देखो मतलब वहाँ पीछे गोवर्धन बना दिया, यहाँ पे पूरा गोवर्धन बनाया हुआ है, कृष्ण जी ने उठा रखा है। और बाकी यहाँ पर ये देखो घर वर बनाए हुए हैं, सारे घर वगैरह रखे हुए हैं। तो भाई यहाँ पर पितामह भीष्म को बनाया हुआ ओवर कर दिया इन्होंने, फेस तो दिखाई देते कम से कम, बिल्कुल मतलब ज्यादा ओवर कर दिया पितामह भीष्म को यहाँ पर इन्होंने। और भाई वहाँ पर देखो नरसिंह अवतार बनाया हुआ, इतना डेंजरस लग रहा है, ये देखो कितना अमेजिंग है नरसिंह बनाया हुआ, हिरण्यकश्यप नीचे लेटा हुआ पेट फाड़ रहे हिरण्यकश्यप का, सच में कितनी अमेजिंग झांकी है ना, मतलब यहाँ पर अच्छी झांकी लगती थी बट इस बार और अच्छी लगी हुई है। और यहाँ पर देखो यहाँ पे कंस के सैनिक बैठे हुए हैं हाथी के ऊपर, ये तो आए कर रहे हैं सैनिक, और ये आ गए यहाँ पे भूत राजा, ओए हेलो कंस महाराज, वो भूत वहाँ पे देखो पीछे, ये देखो भाई फेमस होने के लिए सामने आ गए, तो ये देखो भूत आ रहा है, भूत आ गया, ओ भूत आ रहा है, अरे ड्रैगन भूत आ गया, भूत आ गया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। और यहाँ पर सामने है लड्डू गोपाल जी, जो भी आ रहा है लड्डू गोपाल जी को झुला के जा रहा है। पर देखो उन्होंने लक्ष्मण झूला भी बनाया हुआ है, रियल में तो लक्ष्मण झूला फिलहाल बंद है, तो यहाँ पे लक्ष्मण झूला लाइट से आप इंजॉय कर सकते हो जाकर, मतलब मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से ऊपर से देखो शिव पार्वती बैठे हुए हैं वहाँ ऊपर, तो अभी हम चल रहे हैं लक्ष्मण झूले के ऊपर, सच में बहुत अमेजिंग बनाया हुआ है। नीचे देखो यहाँ पर, ये देखो और नीचे पूरा इन्होंने गंगा का लुक दिया हुआ है जो कि शिव जी के वहाँ ऊपर से निकल के आ रही है, ये देखो। तो भाई ये देखो कितना अमेजिंग बना हुआ है, कालिया नाथ के ऊपर कृष्ण जी खड़े हुए हैं भाई साहब, सीरियली बहुत अमेजिंग झांकी लगाई हुई है, बहुत अच्छी। और नीचे देखो हम ब्रिज के ऊपर खड़े हुए हैं लक्ष्मण झूले के ऊपर, और नीचे गंगा नदी बनाई हुई है, यहाँ देखो यमुना नदी इन्होंने बनाई हुई है, यमुना जी जो कि मतलब देखो वसुदेव है जो कृष्ण जी को ले जाते हुए दिखाया हुआ है। यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है और बहुत ज्यादा लोग है यहाँ पर, कृष्ण जी तो है ही नहीं ऊपर। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, बहुत ही अच्छी बहुत ही अमेजिंग झांकी लगी थी, उम्मीद है आपको भी अच्छी ही लगी होगी, कमेंट में आधे आधे लिख देना जाके, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हमारे सब्सक्राइबर है तो वीडियो को शेयर कर देना। तो भाई करेक्ट 12 बज चुके हैं, और यहाँ पर ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो भाई इनका बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू। तो इनका बर्थडे है, अब यहाँ पे हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो पूजा करने वाले हम लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे, यहाँ पर नहलाने के बाद भोग लगाएंगे, क्या क्या बनाया हमने कैसे करेंगे पूजा सब कुछ दिखाने वाला हूँ मैं आपको, बाकी पीछे चाची है चाची। तो भाई अगर आप झांकी देखने के लिए आए थे और अब वीडियो मतलब छोड़ के जाने की सोच रहे थे तो मत जाओ भाई, थोड़ा पूजा को भी देख कर जाओ, समझ रहे हो, पूजा मतलब हम कैसे पूजा करते हैं पूजा को देख के जाओ, ठीक है। तो करते हैं पूजा स्टार्ट, करेक्ट 12 बज चुके हैं। तो भाई यहाँ पर ही आ गए हमारे लड्डू गोपाल जी, तो इनको नहलाएंगे, पहले नंगा कर देते हैं। तो नंगा कर रहे हैं इनको पहले, यहाँ पर रखो कच्चा, कच्चा ले जाओ कृष्ण जी का। तो भाई ये देखो मुझे पता नहीं था मम्मी लेकर आई थी, कृष्ण जी के नाइट सूट है ये, तो ये देखो ऊपर का है ये, और ये नीचे कच्चा भी है कृष्ण जी का, वाओ कितना ज्यादा क्यूट है, और कृष्ण जी भी बहुत क्यूट लगेंगे इसको पहन के, तो ये कच्चा है कृष्ण जी का, तो अभी तैयार करेंगे नाइट सूट पहनाएंगे बाद में। तो ये सबसे पहले कृष्ण जी को जल से नहलाया जा रहा है यहाँ पर, मतलब पानी से, तो आप गंगा जल से भी नहलाएंगे वहाँ पे, देखो गंगा जल है ये, तो वही ये दही है, और दही से अब कृष्ण जी को नहलाया जा रहा है, और ये तुलसी का पत्ता हमने डाला हुआ है इसके अंदर, तो चमकने वाले कृष्ण जी नहाए नहीं 10 दिन से। ये देखो आप दूध से नहला रहे हैं हम कृष्ण जी को, गोरी हो जाएगी, तो एक बार ट्राई कर सकते हो, गोरे हो जाते हैं अगर आप मतलब ट्राई करोगे कृष्ण जी की तरह नहाकर, बस वो उस लेवल पे रहा नहीं है हमारा देश कि नहा सके हम दूध से। और ये शहद है, और ये शहद से नहलाने के बाद कृष्ण जी बोले मेरे ऊपर पानी डालो, तो पानी से नहलाया जा रहा है, बोले मीठा मीठा हो गया मैं। सब जने हाथ लगा ले थोड़ा थोड़ा, कच्चा बना रहे कृष्ण जी को, तो बड़ा आ रहा है कृष्ण जी कच्चा, 5-6 साल तक चलता रहा इसलिए बड़ा रहा है, भाई साहब कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है देखो, बहुत ज़्यादा क्यूट।
अब ये मतलब जो ड्रेस है ये बनाएंगे कृष्ण जी को हम फ्रॉक वाली। तो अगर आपको ये देखना है भाई मैं कहाँ से लाया हूँ ये वाली ड्रेस, और कृष्ण जी के लिए काफ़ी सामान हम लेकर आए थे, जो खाट रखी है, वो मोर की बांसुरी रखी है, वो झूला रखा हुआ है, ठीक है, ये सब आपको देखना है कहाँ से मैं लाया हूँ, तो आप मेरा मथुरा वाला ब्लॉग देख सकते हो जाकर, ठीक है, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेक कर लेना ब्लॉग, बाकी एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। बाकी कृष्ण जी कपड़े पहन रहे हैं यहाँ पर, भाई कृष्ण जी इतने क्यूट लग रहे हैं, और हमें ऐसा कुछ पहन ले बिल्कुल जोकर से लगेंगे हम। तो अभी ये देखो हार आ गया कृष्ण जी का, ब्रेसलेट बोलते हैं क्या बोलते हैं, अच्छा सेट बोलते हैं तो सेट पहनेंगे अब कृष्ण जी। तो ये भाई पर्सनैलिटी बना रहे हैं कृष्ण जी, यहाँ पे हार पहन रहे हो। तो भाई ये देखो कृष्ण जी हो गए यहाँ पे तैयार, देखो कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, चमक रहे हैं बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, पूरी पगड़ी भी चमक रही है, कृष्ण जी भी चमक रहे हैं, कपड़े भी चमक रहे हैं, और ये लगा दिया चंदन का टीका, और ये हो गया तैयार, टीका ज़्यादा ही लग गया है। ये देखो सामने हमने कृष्ण जी खाट रखी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है खाट। तो पहले खाट पे बैठेंगे, गांव वाली फीलिंग खटिया पे बैठ के। तो भैया अब यहाँ पर हम भोग लगा रहे हैं कृष्ण जी को, यहाँ पर ये है चरणामृत का प्रसाद, तो ये भोग लगा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ये मक्खन है जो कि मतलब अप्रोक्सली एक महीना लग गया है, बिल्कुल बहुत प्योर मक्खन है, बिल्कुल जो गाय के घी से निकाला हुआ है, आई मीन गाय के दूध से बनाया हुआ है, गाय के दूध से बनाया है, बिल्कुल प्योर मक्खन है ये। बाकी चरणामृत का जो हम प्रसाद बनाने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे फ्रूट्स हैं, ये पंजीरी का प्रसाद है जो कि मम्मी ने आज ही बनाया, बहुत टेस्टी होती है। बाकी ये पनीर की सब्जी, ये खीर, ये रबड़ी माई फेवरेट, और कृष्ण जी की भी, और यहाँ पर यह है रायता, बाकी ये है पूड़ियाँ, ये हमने डेकोरेशन करी थी यहाँ पे बैलून्स लगा के, झालर लगा के कृष्ण जी के लिए। भाई कृष्ण जी वहाँ ऊपर नहीं बैठे, वहाँ पर नीचे ही बैठे हैं, पसंद नहीं आई कृष्ण जी को हमारी डेकोरेशन। भाई अब कट करने वाले हैं केक, ये रहा कृष्ण जी का केक। तो यहाँ पे देखो कृष्ण जी केक में एक बांसुरी लगी हुई है, भाई कितना प्यारा क्यूट सा केक है, यहाँ पे हैप्पी जन्माष्टमी एंड हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। तो करते केक कट। तो भाई मैं तरुण और ये कृष्णा, और अब हम करने वाले केक कट। तो करते केक कट। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Laddu Gopal ji, happy birthday to you. ये सिस्टर बैठी है, सर मारी है, ये चाची जी लेंगी। तो ये छोटी वाली सिस्टर है वो जुला रही है कृष्ण जी को। तो ये जो इसने कपड़े पहने 5 साल पहले लिए थे अभी तक चला रही है। ये यहाँ पे भाई हैं, ये झुला रहे कृष्ण जी का झूला, झुला दिया। तो ये हम आरती कर रहे हैं यहाँ पे कृष्ण जी की। तो आरती कहेंगे आरती कुंज बिहारी की। सो गाइस ये था आज के इस ब्लॉग के अंदर, कंटेंट से थोड़ा लगता है मैं ट्रैवल के ब्लॉग्स बनाता हूँ, बट मैंने मतलब हमेशा से ही मैं जन्माष्टमी का ब्लॉग आपके साथ शेयर करता आया हूँ। तो इस साल भी मैंने करा और फ्यूचर में भी करता रहूँगा, क्योंकि भाई कृष्ण जी दिल से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा मैं शेयर करता हूँ जन्माष्टमी पे, मतलब जैसे मैं सेलिब्रेट करता हूँ सब कुछ। तो इस साल भी करा, चैनल पर नया आए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, अभी तक नहीं कराया तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखें उसे अपना, जय हिंद वंदे मातरम। उसी के अलावा मैंने मथुरा वृंदावन के ब्लॉग बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हैं, ठीक है, जरूर देखना उन ब्लॉग्स को, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या फिर एंड स्क्रीन में, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ध्यान रखें उसे अपना, जय हिंद वंदे मातरम, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।